क्या साला डरपोक, मैडम जी बंदूक वाला के सामने कोई टिक सकता है क्या? कौन सा है मेरा नारा? क्या कहते मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं साला। अरे बहराम, पहले नारुतो बहुत पची गोली। बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास डेली ब्लॉग्स। गाइस सभी मैं हूँ इस वक्त मुकेश अंबानी के घर से लगभग जो है 600 मीटर की दूरी पे। एंड आज मैं आप लोग को मिलवाने वाला हूँ दिनेश सिंगू जी से। बहुत सारे आप लोग की कमेंट्स आ रही थी कि दिनेश सिंगू जी के घर पर तो जाते हो, उनसे मिलते हो, लेकिन एड्रेस वगैरह तो पूरा बताते नहीं हो। तो आज मैं आप लोग को दिनेश सिंगू, जो कि बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता कहे जाते हैं, आज मैं उनसे मिलवाने वाला भी हूँ। एंड उनसे जो है काफ़ी सारी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे उनके फिल्मों के बारे में लेकर के। एंड बहुत सारी जो है उनको फिल्म आप देखे रहेंगे, बाजीगर, जुदाई और हेरा फेरी में काफ़ी सारे फिल्मों में उनको आप देखे रहेंगे। तो एक लेजेंडरी अभिनेता के नाम से ये जाने जाते हैं। आज कहाँ पर छिपे हैं आज के ब्लॉग में हम लोग। सो गाइस चलिए इस प्यारा से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड दिनेश सिंगू जी से आप लोग को मिलवाते हैं। एंड उनकी जो है कौन कौन सी मूवी एंड कौन कौन सी वो पिक्चरों में कॉमेडी की है आज के ब्लॉग में हम लोग सब कुछ बताएंगे। एंड उनसे जो है कोशिश करेंगे हंसाने का। आई थिंक जो है वो हंसते तो नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनको हंसाने के लिए। जो कि मैं ऐसे तो कई ऐसे जाते रहता हूँ, तो कई ब्लॉग वगैरह तो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है उनसे, लेकिन मैं आप लोग को कोशिश करूँगा आज जो है आज अच्छे से ब्लॉग बना करके एड्रेस वगैरह सब कुछ बताएं। चलिए इस प्यारा से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ मुकेश चौक पे। एंड मुकेश चौक से लगभग जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे ये साइड में चले जाओगे, पूरा ये है वर्ली का इलाका। एंड वो साइड में पूरा वर्ली पड़ जाता है। यहाँ से ऐसा घूम के आओगे ये साइड में पूरा ये जो है ये साइड में अंटेलिया पड़ जाता है, और ये साइड से ऐसे जाओगे तो ये पूरा जो है हाजी अली दरगाह तक पहुँचा देगा आप लोग को। एंड उसी के जस्ट मैं अपोजिट में खड़ा हूँ, यहाँ पर देखो तो ये है दिनेश सिंगू सर का आलिशान सा घर, जहाँ पर वो रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। एंड यही वो बिल्डिंग का मेन गेट है, देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्डिंग का मेन गेट है। एंड बहुत सारी जो है मैंने वीडियो तो इनके ऊपर बना दिया है, इनके उनसे मिलकर के भी, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आप जो है मिलते हो तो टाइमिंग वगैरह कुछ बताते नहीं हो। तो आज मैं सब कुछ आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, टाइमिंग वगैरह सब कुछ, देख सकते हो। अभी हम चलेंगे इस घर के अंदर, पूरा आप लोग को दिखाएंगे। चलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू बने रहना। हम बिल्डिंग के मेन गेट पे आ गए हैं, अभी हम इसके अंदर चलेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे दिनेश सिंगू सर कहाँ बैठे हैं और कैसे मिलते हैं वो। चलिए पूरा आप लोग को बताते हैं जानकारी भी। देख सकते हो ये है बिल्डिंग का मेन गेट, और यहीं से जो है हमें अंदर की तरफ जाना है। और ये देख सकते हो ये है कुछ नज़ारा बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग में नहीं रहते, इसके पीछे वाली जो अपार्टमेंट है उसमें रहते हैं, 4th फ्लोर पे। अभी हम जो है इस ये जो है बिल्डिंग आगे पड़ता है, इसकी वजह से हम लोग यही बिल्डिंग दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर दिनेश सिंगू जी अभी बैठे हुए हैं। अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे, आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पर ये बैठे हुए हैं कुर्सी लगा करके। गाइस अभी हम दिनेश सिंगू सर से मिलने के लिए जा रहे हैं, एंड अभी हम जाएंगे उनसे मिलेंगे भी। एंड ये कैमरा बस यहीं पर ऑफ करते हैं, वहाँ पर जाकर के उनसे मिलेंगे, फिर दिखाएंगे आप लोग को। दोस्तों दिनेश सिंगू जी से हमने लगभग जो है 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यू बात किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, क्योंकि दिनेश सिंगू जी को भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो है एज जो है 82 ईयर्स की हो चुकी है, इसके वजह से इनको प्रॉब्लम आती है बातें होते करने में। देख सकते हो आप दिनेश सिंगू जी सर यहाँ पर रोज़ बैठते हैं, अगर आप मिलना है तो मिल सकते हो यहाँ पर आकर। देख सकते हो गाइस ये ही अंदर का नज़ारा, दिनेश सिंगू सर जहाँ पर बैठते हैं यहीं पर वो बैठते हैं। अब ये जो है पूरा बन रहा है, इसकी वजह से दिनेश सिंगू सर आगे कभी कभी बैठते हैं, नहीं तो यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर अभी बैठे हैं क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है बन रहा है। ये देख सकते हो अंदर का ये पूरा गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये ही बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए मेन गेट, अभी तो पूरा ये तोड़ करके नया बनाया जा रहा है। यही वो ये वाले ब्लॉग को बस यही पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड दिनेश सिंगू सर को ज़्यादा पसंद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि
वो क्या है, उनकी जो है आयु जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से उनको थोड़ी परेशानी करते हैं हम लोग, माइक वगैरह लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है उनको। एंड उनके बेटे जो है कहते हैं कि उनको गोली दे करके हम लोग सुलाते हैं उनको। सो गाइस बस आई होप आप लोग को दिनेश सिंगू सर से मिले होंगे, उनको देखे होंगे, एंड बस ये वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, जय हिंद, टेक केयर।